वो चाम समय पाहुड़ू मेणमो सुद केवली भणिदम केवली प्रणीत समय पाहुड़ जिसका जो है पुण्य पाप अधिकार समाप्ति की ओर है। और इसमें जो है 109 नंबर का कलश हमने पढ़ लिया था, 110 नंबर का कलश भी लगभग हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं 110 नंबर का जो कलश है उसमें पंडित बनारसी दास जी का जो पद्यानुवाद है वो हमारा अभी बाकी है। उसको पढ़ने के पहले पूर्व व्याख्यान से इसका जो है लिंक जोड़ना चाहिए, और लिंक इसमें यही है कि क्या कहा 110 को जरा एक बार देखते हैं। कर्म विरति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। अवरोध इसमें है नहीं पर कर्म धारा बंधमय, मुक्ति मार्ग एक ही है ज्ञान धारा मुक्तिमय। 110 नंबर कलश में ये कहा, बहुत गजब बात कही है। यदि सोचें तो गजब बात ये है कि जब पुण्य इतना हेय है, इतना बेकार है, इतने छोड़ने योग्य समझो हैं, तो उस पुण्य की गीत क्या वो पुण्य सम्यक्त्वी के जीवन में नहीं होता? क्या पांचवें गुण स्थान में नहीं होता? क्या छठवें गुण स्थान में नहीं होता? जब संपूर्ण मोक्ष मार्ग में पुण्य पाया जा रहा है तो क्या इतना उसको छोड़ देना चाहिए? ये बात है। तो उसी बात के लिए यहाँ ये कह रहे हैं कि हाँ मोक्ष मार्ग के जीवन में पुण्य होता तो है, लेकिन उस पुण्य से अपने आप को सौभाग्यशाली वो नहीं समझता है। सौभाग्यशाली ये शब्द से मेरे को एक बात याद आ गई। एक किताब है दादा की लिखी हुई, आप कुछ भी कहो, उस किताब में जो है 10 कहानियाँ हैं। उस 10 कहानियों में एक कहानी है जिसका नाम है अभागा भरत। कहानी का नाम है, कहानी का टाइटल मेन शीर्षक अभागा भरत ऐसा नाम है। सारी दुनिया भरत चक्रवर्ती को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, हैं, लेकिन भरत चक्रवर्ती अपने आप को अपनी नज़र में किस रूप में देखते हैं वो बात वहाँ पर उभारी गई है। हजारों लाखों लेखक कवि इतना गहरा चिंतन करके लावे, ऐसी चीज़ वहाँ पर व्यक्त की गई है सबके देखने का। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, हैं। कवि की तो चिंतन कल्पना शक्ति ऐसी होती है कि जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँच सके, हैं। तो ये जो है छोटे दादा ने बहुत ही कल्पना प्रधान, बहुत ही चिंतन परक ऐसा जो है चिंतन करके निकाला कि भरत चक्रवर्ती यदि सच में अपने बारे में सोचे तो क्या सोचे। वो ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत अभागा हूँ। उनकी माँ ने उनको आशीर्वाद दिया है तो उन्होंने कहा, अरे आशीर्वाद, मैं तो बहुत अभागा हूँ, मैं सौभाग्यशाली थोड़ी हूँ, मैं तो अभागा हूँ। कि क्यों अभागे हो? कि मैं तो इसलिए अभागा हूँ कि मेरे जो सभी भाई है तीर्थंकर की सभा में लाभ ले रहे हैं, वे सब आत्मकल्याण कर रहे हैं, और मैं ये दुनियादारी के चक्कर में पड़ा हूँ, है दुनियादारी के चक्कर में पड़ा हूँ, मुझे धर्म सुनने समझने का अवसर नहीं है, टाइम नहीं है, और ये क्या जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ पड़ी है, हैं। ऐसा जो है वो अपने आप को समझते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञानी के जीवन में भी, मोक्ष मार्ग के साधक के जीवन में भी पुण्य तो होता है, पुण्य फलित भी होता है। भाई होगा ही, जब वो धर्म में लगेगा तो पुण्य भी आएगा, निश्चित आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम खेती करते हैं, फसल बोते हैं, तो उस फसल में क्या होता है कि जो घास फूस भी स्वयमेव आ जाता है, घास फूस भी स्वयमेव आ जाता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी धर्मात्मा है, उन ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में पुण्य स्वयमेव फलित होता है। क्या होता है, जब भी हम थोड़ी बहुत ज्ञानियों की बात करें, हम तो खैर ज्ञानी है कि नहीं, जिनको आत्मा का अनुभव, उनकी बात करें, जो जीव अपने आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, वे जीव उनके आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हैं उन कर्मों में अपने आप ही संक्रमण होने लगता है, अपने आप ही उत्कर्षण होने लगता है शुभ कर्मों का, और अपकर्षण होने लगता है अशुभ कर्मों का। तो अपने आप पुण्य फलित होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस पुण्य में वे अपनापन नहीं करते, उस पुण्य के कारण अपने आप को महान नहीं मानते, उस पुण्य के कारण वे गर्व नहीं करते,
उस पुण्य में एकत्व मनमत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करते, इसलिए उस पुण्य से वे मोक्ष मार्ग में उपाधेय नहीं मानते। ऐसी बात है, तो मोक्ष मार्ग में पुण्य रहता तो है लेकिन उपाधेय नहीं है। इसी बात को बताने वाला जो कलश है, वो कलश हम ये जो कलश है इसको एक क्या हुआ ये इस कलश को जरा इसका कलश तो पढ़ ही लिया, अब बनारसी दास जी का जो पद्यानुवाद है वो पढ़ लेते हैं। जो लो अष्ट कर्म को विनाश नाही सर्व था तो लो अंतरात्मा में धारा दोई भरनी, एक ज्ञान धारा एक शुभा शुभ कर्म धारा दुहु की प्रकृति न्यारी 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 धरनी, इतनो विशेष जु कर्म धारा बंध रूप पराधीन सकति विविध बंद करनी, ज्ञान धारा मुख रूप मुख की करण हार दुख की हरण हार भोसा मुद्र तरनी। कैसी विचित्र इसमें लय बंदी है तुक बंदी है, समझने योग्य है, बड़ी अच्छी है, पुरानी हिंदी है उसमें जो सरस होती है बहुत सरस है उसमें, बरनी धरनी करनी तरनी ऐसे किस प्रकार की तुक बंदी है ये तो देखो जोनो अष्ट कर्म को विनाश ना ही सर्व था, जब तक सर्व था विनाश नहीं हो जाएगा अष्ट कर्म का, तब तक तो ये क्या चलेगा आत्मा में दो धाराएं चलेगी, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा, दोनों अरंत के यहाँ पर भी, अरंत के यहाँ पर भी जो है कुछ आश्रव है। आप देखेंगे गोमटसार जैसे करुणान योग के बड़े बड़े ग्रंथ, तो उनमें बताया कि अरंत तेरहवें गुण स्थान में भी कुछ आश्रव है, भले ही एक समय का है, नाम मात्र का है, कहो तो कह भी सकते हो नहीं तो ना भी कह सकते हो, इतना कम है लेकिन है आश्रव। तो कहते हैं कि जब तक कर्म का सर्वथा विनाश नहीं होगा तब तक जो है वो आत्मा में दो धारा चलती रहती है, एक धारा है कर्म की धारा, एक है ज्ञान की धारा, ज्ञान धारा और कर्म धारा है ना, ऐसी दो शुभाशुभ, एक ज्ञान धारा है एक शुभाशुभ कर्म धारा है, कर्म धारा के भी दो भेद कर दिए, शुभ शुभ कर्म और अशुभ कर्म। दुहू की प्रकृति न्यारी 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 वर्ण, वो कैसे है, ज्ञान धारा अलग प्रकार की है और शुभाशुभ कर्म धारा अलग प्रकार की है देखो केवली के तो मतलब क्या सिद्धों के तो पूरी तरह बंद है और मिथ्यात्वी के पूरी तरह बंद है ना, लेकिन जो बीच का है ना तो वो मिथ्यात्वी है ना वो सिद्ध है, जो बीच का है यानी मोक्ष मार्गी है उसके कुछ बंद है कुछ अबंद है ना। जैसे मान लो एक तो रॉ मटेरियल है और एक उससे कोई काम होकर के वो फाइनल कोई नया प्रोडक्ट तैयार हो गया है, तो रॉ मटेरियल अलग है और फाइनल प्रोडक्ट अलग है और वो बीच की जो प्रोसेसिंग में भी कुछ माल लगा हुआ है तो वो माल अलग है, तो वो जो बीच की प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है वो समझो अभी मोक्ष मार्ग वाला पार्ट है, मोक्ष मार्गी का पार्ट है उसमें वो जो चल रहा है। तो इस प्रकार उसके जीवन में धारा तो दो ही हैं लेकिन उनमें से एक धारा का एक धारा बढ़ती हुई दिखाई देती है और दूसरी धारा घटती हुई दिखाई देती है। घटती हुई जो धारा है वो है कर्म धारा और बढ़ती हुई जो धारा है वो है ज्ञान धारा, इस प्रकार है। और इतना ही नहीं, उन दोनों धाराओं में ये विशेषता है कि एक धारा बंद का ही कारण है और दूसरी धारा कर्म मतलब जो है ज्ञान धारा वो निर्बंध है मोक्ष का कारण है। अब ये दो धाराएं एक साथ है तो एक ही समय में बंद भी है और एक ही समय में निर्बंध भी है, दो दो बातें हैं एक साथ है और इस दोनों बातों में कोई विरोध भी नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है, है ना। ज्ञान धारा मोक्ष रूप मोक्ष की करण हार, और क्या बताया इसके ऊपर पराधीन, छोड़ दिया ना एक लाइन, इतनो विशेष जो कर्म धारा बंद रूप पराधीन सकती विविध बंद करनी। और जो कर्म धारा है वो कैसी है, वो कर्म धारा है तो वो पराधीन है, वो कर्म धारा जो कैसी है पराधीन है। पराधीन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई शास्त्र पढ़ना चाहे, है ना, अब वो शास्त्र पढ़ने के लिए शास्त्र चाहिए, अब मान लो शास्त्र नहीं है, जयपुर से मंगाएंगे जयपुर से आने में टाइम लग रहा है, कभी डाक की देरी हो रही है, चलो आ भी गया है ठीक पते पर नहीं पहुंचा है, है मिल गया है लेकिन अभी क्या है कि रात का वक्त है लाइट नहीं है, मान लो लाइट तो खैर अपने यहाँ रहती है, फिर चश्मा नहीं मिल रहा है, या फिर साहब शास्त्र भी है चश्मा भी है लाइट भी है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कठिन है,
समझाने वाला चाहिए। तो कहने का अर्थ कर्म धारा इतनी पराधीन है कि उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। है किसी को दान देना है तो दान देने के लिए पहली बात तो पैसा होना चाहिए। चलो भाई पैसा का दान तो कुछ है ही नहीं, चार प्रकार का ध्यान है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे समझो कि जो भी वस्तु देनी है वो चाहिए, ठीक है, वो भी है मेरे पास, मान लो है, मान लिया कि वो वस्तु मेरे पास है, लेकिन किसको दूं, वो आदमी नहीं मिल रहा है, तो भी पराधीन है। तो जितनी भी बाह्य क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं, एकदम शुभ से शुभ ले लो आप चाहे कोई भी, तो वो शुभ क्रियाएं भी पराधीन है, अपने हाथ में नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो दान देना चाहते हैं, अपने जीवन के उत्तरार्ध में बहुत आगे आयु बढ़ गई है, उनको लगने लगा कि अरे सारा जीवन ऐसे ही गया। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि भाई दान तो देना है लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। तो कहने का अर्थ दान देने के लिए भी पराधीनता है, शास्त्र पढ़ने के लिए भी पराधीनता है, तीर्थ जाने के लिए भी पराधीनता है, जप तप करने के लिए भी पराधीनता है, जितनी भी कर्म धारा है शुभ हो चाहे अशुभ दोनों के लिए ही पराधीनता है। हम अशुभ धाराओं में भी पराधीनता महसूस करते हैं, है ना, और शुभ धाराओं में भी पराधीनता है। ये कर्म धारा है ही ऐसी कि जो पराधीन है। और कैसा ज्ञान धारा, अब ये तो हुई कर्म धारा की बात, ज्ञान धारा कैसी है? ज्ञान धारा मुख रूप मुख को करण हार, कि ज्ञान धारा तो मोक्ष स्वरूप है, सुख स्वरूप है, मोक्ष की करने वाली है। और कैसी है कि दोख की हरण हार, दोख मतलब दोष, दोष बोले दुख बोले एक ही बात है, दोष की हरण हार भव समुद्र तरणी, और भव समुद्र यानी संसार समुद्र को तैरने में हमारी मदद करने वाली है, ऐसी ज्ञान धारा है ना। ज्ञान धारा और कर्म धारा, इसमें क्या है कि जो कर्म धारा है उसी का यदि कोई आश्रय ले ले, इसमें आगे आएगा कहीं 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 आगे आएगा, अगले छंद में आएगा, लेकिन मैं जब याद आता जब पहले ही बता देता हूँ कि दो बातें हैं, एक ज्ञान धारा एक कर्म धारा। जो ज्ञान का ही पूरी तरह आश्रय ले लेवे वो भी एकांत है, और जो कर्म का भी पूरी तरह आश्रय ले लेवे वो भी एकांत है। एकांत नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे कि अच्छा कर्म भी कुछ, यानी कर्म को भी आपने स्थान दिया है कुछ थोड़ा बहुत, इसका मतलब आप कह रहे हो ना एकांत नहीं है, तो इसका मतलब कर्म भी कुछ करना चाहिए, इसका मतलब तो ये सिद्ध हो रहा है कि हाँ हाँ कर्म तो करना चाहिए, लेकिन कौन से कर्म की बात है? शुभ अशुभ कर्म की बात नहीं है, शुभ अशुभ कर्म की बात नहीं है। जिस आत्मा को जाना उस आत्मा में ही लीन होने का पुरुषार्थ करना, ऐसा कर्म करना चाहिए, उस कर्म की यहाँ बात है। अकेले आत्मा को जानते रहो, है जानते रहो मतलब लीन होना ही है जानना, लेकिन उस आत्मा की कोई चर्चा करते रहो और उसमें अंदर प्रवेश ना करो, कहने का मतलब उसमें लीन ना हो, तो ऐसा एकांत की मना है, ऐसा अगले छंद में आएगा, अभी नहीं। अभी देखो यहाँ इस छंद में क्या कहते हैं, इस छंद में कलश टीकाकार राजमल जी वो कहते हैं, एक प्रश्न उठाते हैं, और वो प्रश्न उठाकर ये कहते हैं कि आपने ये कहा कि कर्म धारा और ज्ञान धारा, तो सॉरी कर्म धारा बंद करती है ये कहा, तो इस बात को जरा ऐसा कह सकते हैं क्या, जैसे कि मिथ्या दृष्टि मुनि की जो कर्म धारा है वो तो बंद करती है, और सम्यक दृष्टि मुनि की जो कर्म धारा है वो उसे निर्बंध करती है, ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा प्रश्न उठाया। तो अब इस प्रश्न का क्या उत्तर, कि चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सजा तो सजा है, दोनों की एक दोष की एक ही सजा है, जिनागम में कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का किसी के साथ में कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है। कर्म माने कर्म, बंध माने बंध, जो कर्म करेगा वो बंधेगा, चाहे वो सम्य दृष्टि हो चाहे चाहे मिथ्या दृष्टि हो, है इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की बात है। फिर आगे इसी प्रश्न में थोड़ा सा घुमा करके इसको ऐसा भी कहा कि जो सम्य दृष्टि है, अब मिथ्या भाई मिथ्या दृष्टि का तो काम ही खत्म हुआ, उत्तर मिल गया, तो फिर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया और कह दिया कि सम्यक दृष्टि का जो कर्म और ज्ञान ये दोनों मिलकर के फिर निर्बंध होता हो, ऐसा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, जितनी मात्रा में कर्म है उतनी मात्रा में बंध है, और जितनी मात्रा में ज्ञान है उतनी मात्रा में निर्बंध है, दोनों का पृथक पृथक फल है, एक ही काल में दोनों फल हैं, दोनों में कोई विरोध नहीं है, विरोध जैसा दिखता जरूर है लेकिन विरोध नहीं है, ये भी कहा। इसके बाद में
एक पैराग्राफ है वो अच्छा है, चाहे तो काफी है, वैसे तो लंबा लंबे दो तीन पैराग्राफ हैं पढ़ने योग्य, लेकिन पढ़ता हूँ। 379 पेज है, 379, 379 हिंदी की किताब में है, वहां से एक दो पैराग्राफ पढ़ता हूँ। दूसरा पैराग्राफ है, इस प्रकार भगवान स्वरूप में, इस प्रकार ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अपने में एकाग्र होकर प्रवर्तमान जितनी ज्ञान धारा है उतना उतना संवर निर्जरा का कारण है। जितनी जितनी ज्ञान धारा उतना उतना संवर निर्जरा, उसमें किंचित भी बंद नहीं है। और बहिर्मुख पने जितनी भी शुभाशुभ राग धारा है यानी कर्म धारा है उतनी बंद का कारण है, उसमें एक अंश भी संवर निर्जरा का कारण नहीं है। ठीक है, भावलिंगी मुनिवरों को जो पंच महाव्रत के परिणाम हैं वे बंद के कारण हैं। पंच महाव्रत के परिणाम वो बंद के कारण है, ये बात हमको समझ नहीं आती है, बहुत कठिन लगती है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी वो देखते हैं, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। वे पंच महाव्रत के परिणाम हैं, वे बंद के कारण हैं, तथा एक शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। कथनचित ज्ञान धारा व कथनचित राग धारा मोक्ष का कारण हो ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, है जितनी मात्रा में जो है उसका वैसा ही फल है। अब यहाँ ये पूरे पैराग्राफ में एक ही शब्द ऐसा है जो थोड़ा सा हमको चुभता है कि क्या कहते हो कि महाव्रत के परिणाम भी बंद के कारण है, कि हाँ जी यदि विश्वास नहीं तो तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी का देखो, उसमें जो है बंद नाम का अध्याय है ना, 10 अध्यायों का वर्गीकरण किया, बंद अध्याय कौन सा है, छठे सातवें में तो आश्रव है, फिर आठवें में बंद है ना, तो आठवें अध्याय में जाकर के आपको मिलेगा महाव्रतों का वर्णन। सारे व्रत जितने भी हैं चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, उनका वर्णन आपको आठवें अध्याय में जाके मिलेगा, आठवें अध्याय में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आठवें अध्याय में बंद का तत्व का वर्णन है, तो इससे ये समझ में आता है कि महाव्रत भी बंद के कारण है। कब होते हैं महाव्रत? जब मुनिराज छठे गुण स्थान में आते हैं तब महाव्रत होते हैं, जब सातवें गुण स्थान में रहते हैं तब महाव्रत नहीं होते हैं, महाव्रत नहीं होते हैं। यदि कोई मुनिराज जैसे भरत चक्रवर्ती को ले गए, है मुनिराज ले बने और झट अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो बीच में कभी वो कुछ मतलब महाव्रत पालन का कोई अवसर ही नहीं आया उनके जीवन में, तो इस तरह भी ऐसी भी स्थिति है। तो महाव्रत के संस्कार भी वास्तव में देखा जाए तो पुण्य बंध के कारण है। अगली देखो, अगली लाइन क्या है, जगत के जीवों को है, ये हमारी बात है, हमको क्या लगता है, वो जगत के जीवों को शुभ भाव में धर्म बुद्धि का संस्कार पड़ गया है, उसके प्रति विशेष लगाव हो गया है। हम सबको यही सब बातें सुनना अच्छी लगती है, जिसको जो बात सुनना अच्छी लगती है उससे वैसी बात करो तो अच्छा लगता है, तो विशेष लगाव हो गया है, उसमें से धर्म बुद्धि का संस्कार छूटता नहीं। ये जो पुण्य करते रहो धर्म बुद्धि हो जाएगी, ऐसा संस्कार पड़ गया वो छूटता ही नहीं है। इस कारण शुभ भाव से लाभ होता है, ऐसा कोई कहे तो प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा लगता है, हाँ बढ़िया 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 ऐसा लगता है, वृत्ति के अनुसार उपदेश मिला तो ठीक लगता है। परंतु भाई यह मान्यता बड़ी भारी मिथ्यात्व नामक शल्य है, मिथ्यात्व ये मान्यता ठीक नहीं है। इस प्रकार इस पूरे 110 नंबर के कलश में ये सिद्ध हो गया कि ज्ञान धारा निर्बंध का कारण है और कर्म धारा बंध का कारण है, इसलिए वो छोड़ने योग्य। इतना सब क्लियर होने के बाद में अगला जो छंद है कौन सा, 111 नंबर का, वो कलश क्या कहता है जरा उसकी चर्चा करें। देखो 111 नंबर का कलश आगे देखते हैं, हाँ है 111, काफी दूर है यहाँ। नग्ना कर्म नयावलंबन परा ज्ञानम न जानन्ति यत् मग्ना ज्ञान नये सिनोपि यदति स्वच्छन्दमन्दोद्यमा विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च। कर्म नय के पक्षपाती ज्ञान से अनभिज्ञ हो
ज्ञान नय के पक्षपाती आलसी स्वच्छंद हो। जो ज्ञान मय हो परिणमित परमाद के बस में न हो। कर्म विरहित जीव वे संसार सागर पार हो। ये देखो 111वें नंबर का छंद, इसको तुरंत बाद कहना बहुत जरूरी था, एकदम जरूरी इसलिए हो गया कि इसके पिछले कलश में ये कहा था, पिछले कलश में जस्ट अभी अभी, कि ज्ञान धारा से तो निर्बंध है और कर्म धारा से बंद है। तो ये बात कहने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम पूरी तरह अब ज्ञान नहीं का ही आश्रय ले लेंगे और कर्म को पूरी तरह छोड़ देंगे, ऐसा किसी ने कहा। तो उसके लिए एक कलश है, उन्होंने कहा यदि ऐसा करोगे तो भी एकांति हो जाओगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी बात, दूसरी गड़बड़ ये हो जाएगी कि पहले अपनी भूमिका चेक करो, तुम किस भूमिका में हो। यदि तुम्हारी भूमिका अभी बहुत निचली है तो तुम शुभ को मत छोड़ देना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कह रहे कि शुभ को छोड़ने के पहले बहुत सारी बातों को देख लेना ध्यान से, हैं कि मैं कौन सी भूमिका में हूँ, है ना। और यहाँ कर्म धारा का मतलब क्या है, कर्म धारा के भी दो अर्थ हैं, दो अर्थ मतलब एक तो ये पुण्य पाप वाला कर्म और एक दूसरा स्वरूप में जाने का उद्यम, वो भी कर्म है एक। तो कौन सा वाला कर्म, ये भी समझ लेना, दो बड़ी बातें ध्यान रखने की है, कर्म का वास्तविक अर्थ क्या और दूसरा अपनी भूमिका क्या, ये दो चीज पहचानोगे तब जाकर के ठीक रहेगा, वरना बड़ी भारी भूल हो जाएगी। ये यहाँ बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो कि कर्म नय के पक्षपाती ज्ञान से अनभिज्ञ, जो कर्म नय के पक्षपाती हैं। अब यहाँ यूं समझो कि वैसे देखा जाए, ये दो अर्थ मैंने बता तो दिए आपको, वो तो आगे की बात है, लेकिन मोटे तौर पर सीधा सीधा अर्थ किया जाए तो यहाँ कर्म नय के पक्षपाती यानी जो बात चल रही है वही अर्थ लेना। अभी क्या बात चल रही, कर्म नय मतलब शुभ अशुभ कर्म है, ये करो वो करो, चलो जी एक पंच कल्याण करेंगे, चलो जी अब गजरथ चलाएंगे, चलो जी अब दान देंगे, चलो जी अब ये करेंगे, एक गोष्ठी बुला लो है, एक विद्वान का लेक्चर रख दो, चलो जी अब दान देंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, एक विधान रचाएंगे, एक इस तरीके की, है ना। तो ये सब में लगे रहते हैं, कर्म नय के पक्षपाती इन सब में लगे रहते हैं और ज्ञान से अनभिज्ञ हो जाते हैं, उनको ज्यादा पड़ी नहीं है, भक्ति में लगेंगे लेकिन क्या शास्त्र में लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में और बहुत बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे लोग, आप देखोगे ये तो सब चारों तरफ देख सकते हैं आसानी से। फिर आप देखो पर्युषण पर्वों के दिनों में देख लो, यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कल्चरल प्रोग्राम, तो उसमें बहुत भीड़ आ जाएगी, और किसी विद्वान का लेक्चर रख दो तो थोड़े बहुत आएंगे लोग, ज्यादा उम्र वाले, है ना। तो कहने का अर्थ, कर्म नहीं के जो पक्षपाती है उनको ज्ञान से पड़ी नहीं है, वे आत्मा की चर्चा से दूर भागते हैं, वो तो बस कुछ ना कुछ क्रियाकांड करो इसी से होगा धर्म, ऐसा मानते हैं। और ज्ञान नहीं के पक्षपाती वे सोचते हैं अरे कुछ नहीं रखा, ये सब व्यवहार है, जाने दो, छोड़ दो छोड़ दो, बेकार है सब, और वो सब कुछ छोड़ देते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, फिर वो अपने आत्मा के भी उद्यम नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो एकदम कोरी बातें करते हैं, आत्मा की कोरी बातें करते हैं, सुनी सुनी बातें करते हैं वो क्रिया भी नहीं करते। तो दो प्रकार के लोग हो गए, दोनों प्रकार के लोग कैसे हैं, दोनों को आत्मा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जो ज्ञानमय हो परिणमित, किसको मिलेगा वो बता रहे हैं कि जो ज्ञानमय हो परिणमित परमाद के वश में न हो और परमाद न करे, यानी सावधान रहे, जागरूक रहे और अपने आत्मा की पहचानने की चेष्टा में लगा रहे, कर्म विरहित यानी शुभाशुभ दोनों कर्मों से रहित है, ऐसा जीव ही संसार सागर से पार हो सकता है। तीन प्रकार के जीव हो गए इस पूरे कलश में, तीन प्रकार के जीव है, पहली लाइन में एक प्रकार, दूसरी लाइन में दूसरा प्रकार और अंतिम दो लाइन में तीसरा प्रकार, तीन प्रकार के जीव हो गए। तो तीनों प्रकार के जीवों में से शुरू के दो जीव तो एकांतवादी हैं, एकांत मिथ्यात्व हैं, पांच प्रकार का मिथ्यात्व ना, उनमें से एकांत मिथ्यात्व वाले हैं एकांत मिथ्यात्व वाले हैं। तो क्या है कि कुछ लोग तो जो है दिन रात जो है क्रियाकांड क्रियाकांड में लगे रहते हैं, उनको जो है
कुछ धर्म कर्म की पड़ी नहीं है। कर्म की मतलब कर्म की तो पड़ी है, धर्म की नहीं पड़ी है, आत्मा की नहीं पड़ी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्वान टाइप के हैं, कोरी चर्चा करते हैं हम जैसे लोग कि कोरी चर्चा करते हैं आत्मा की, तो फिर क्या है, वो भी आत्मा को नहीं पा सकते, कोरी चर्चाओं से काम नहीं बनेगा। यहाँ कहा कि जिस चर्चा कर रहे हैं उसका उद्यम भी करना, ये लिखा ना, जो ज्ञानमय हो परिणमित परमाद के वश में न हो, प्रमाद ना हो, उद्यम करे जो जानने का है, ऐसे लोग। देखो अब इसके बाद में ये जो अगला पेज है ना, ये 381 नंबर का पेज, इसमें ये पूरा का पूरा पेज इतना बढ़िया सुंदर है, इसको पूरा ही पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इतना बढ़िया है। लेकिन फिर भी पूरा तो क्या पढ़ें, कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा इसका अंश कुछ पढ़ते हैं जरूर। 381 पेज पर देखो, और कितने ही लोग, ये वाले पैराग्राफ से पढ़ता हूँ, और कितने ही लोग आत्मस्वरूप को यथार्थ नहीं जानते तथा सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से अथवा अपने आप ही अंतरंग में ज्ञान का स्वरूप मिथ्या प्रकार से कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं, वे अपनी परिणति में किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना अपने को सर्वथा अवंध मानते हैं। वे सोचते हैं, अरे मैं तो सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं तो कुछ नहीं सिद्ध समान हूँ, मेरा क्या बिगड़ता है, कितना भी नरक निगोद में जाए मेरा आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध एकदम नित्य निरंजन है, उसमें कुछ नहीं बिगड़ा है, ऐसा अबंध बने रहते हैं, कोरी बातें करते हैं, है ना, अबंध मानते हैं, और व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र के क्रिया कांड को निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं, कुछ नहीं मैं तो बना बनाया सिद्ध भगवान जैसा, क्या करना है, ये सब सब है, ये व्यवहार है, कुछ नहीं करूंगा मैं तो वो जो भी करने योग्य कार्य थोड़े शुभ भाव हैं अपनी भूमिका में, उनको भी छोड़ देते हैं, एकदम स्वच्छंद हो जाते हैं, निरुद्यमी हो जाते हैं, उच्च श्रृंखल जो मन करे वही करते हैं। ऐसे ज्ञान नय के पक्षपाती लोग, ऐसे ज्ञान नय के पक्षपाती लोग जो कि स्वरूप का कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कोई पुरुषार्थ नहीं करते, आत्मा में भी चलो ठीक है तुमने सब छोड़ दिया ठीक है, लेकिन आत्मा में तो जाने का पुरुषार्थ करो भाई, कि नहीं वो भी नहीं करते, और शुभ परिणामों को छोड़कर स्वच्छंदी होकर विषय कषायों में प्रवृत्ते हैं, वे भी संसार समुद्र में डूबते हैं। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई तुम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो, कि भाई वो मंदिर जाने में क्या शुभ भाव है, वो तो कोई दम नहीं है, कि अच्छा तुम घर में बैठ के टीवी देख रहे हो, वो कि अरे ऐसी स्थिति होती है लोगों की, मतलब क्या है कि शुभ भाव को तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं भाई, लेकिन छोड़ के गए कहाँ तुम, ये तो बोलो शुद्ध में गए जब तो बहुत बढ़िया, लेकिन वहां भी नहीं गए, तो ऐसे निरुद्यमी हो जाते हैं, वैसे जीव संसार में ही डूबते हैं, है ना। फिर अगले अगला पैराग्राफ देखो, मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणमित होते हुए, अब ये सही बात कौन सा जीव अच्छा है, ऐसा कौन सा जीव है जो मोक्ष मार्ग जाएगा, मोक्ष में जाएगा, उसकी स्थिति क्या होती है वो बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में। मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणमित होते हुए शुभाशुभ कर्मों को हे जानते हैं, हे जानना अलग चीज है और हे छोड़ देना अलग चीज है, छूटते नहीं है स्वयं में, छूटते हैं अपने आप जब जब समय आता है तब, छोड़ना नहीं है, जान बुझ के नहीं छोड़ना है, अपने आप छूट जाते हैं, इससे भी अच्छी कोई चीज मिल जाती है ना तो छूट जाते हैं, इससे भी अच्छी चीज है शुद्ध भाव, शुद्ध भाव में जाते ही ये स्वयं में छूट जाते हैं, हे जानते हैं, और शुद्ध परिणति को भी उपादेय जानते हैं, वे मात्र अशुभ कर्मों को ही नहीं किंतु शुभ कर्मों को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं, वे संपूर्ण स्वरूप स्थित होने तक पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, सब छोड़ देते हैं, पुण्य भी छोड़ते पाप भी छोड़ते, हमने तो पुण्य छोड़ के पाप में आ गए, ऐसा नहीं, पुण्य भी छोड़ते पाप भी छोड़ते हैं, है, और फिर स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऐसे जीव ही वो शुभ शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करके और फिर संसार में नहीं रहते मोक्ष को पहुंच जाते, ऐसा पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना फिर आगे, इस तरीके की बात है। समय तेजी से चल रहा है। अब जो 111वां जो छंद है, इस छंद का जो है बनारसी दास जी का जो अनुवाद है वो पढ़ लेते हैं, है, वो अनुवाद क्या कहता है, समुझे न ज्ञान कहे कर्म की ये सो मुख, ऐसे जीव विकल मिथ्यात की गहल में,
ज्ञान पच कहे, ज्ञान पच गहे कहे, आत्मा अबंध सदा बरते सुछंग ते उ बूढ़े हैं चहल में, जथा जोग कर्म करे पे मम तन धरे, रहे सावधान ज्ञान ध्यान की पहल में, के वह सागर के ऊपर वह तर जीव, जिन ही को निवास त्याग वाद के महल में, समुझेन ज्ञान कहे कर्म किए सो मोह। देखो ज्ञान धारा ठीक है लेकिन कर्म भी आवश्यक है, लेकिन कौन सा वाला, सुबह सुबह वाला नहीं, आत्मा की लीनता का पुरुषार्थ रूप कर्म वो भी जरूरी है। आपको पहले एक बार उदाहरण दिया था, सर्वार्थ सिद्धि में आया था, सर्वार्थ सिद्धि एक ग्रंथ है, वो वाला सर्वार्थ सिद्धि नहीं एक ग्रंथ है, उसमें आया था, उसमें आया था अंध लगुड़ का दृष्टांत। अंध और लगुड़ मन लंगड़ा, एक अंधा है एक लंगड़ा है, जंगल में फंस गए थे, आग लग रही थी, अंधा तो देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, लेकिन दोनों ने मिलजुल के कैसे जान बचाई वो तो पता ही आपको है ना। तो ऐसे ही देखना, दृष्टि जिसके पास है वो ज्ञान हो गया, जिसके पास पैर है वो क्रिया हो गई। तो ज्ञान और क्रिया दोनों का अद्भुत संयोग तो चाहिए, लेकिन क्रिया माने जिस आत्मा का स्वरूप जानते हो उसमें लीन होने का पुरुषार्थ, ऐसी क्रिया होनी चाहिए, सुबह सुबह वाली क्रिया नहीं, ऐसा जो है तारतम्य, ऐसा सामंजस्य होना चाहिए, ये बात यहाँ बताइए। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, जो अभी सवैया पढ़ा, समुझेन ज्ञान कहे कर्म किए सो मोक्ष। कुछ जीव ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते, ज्ञान माने आत्मा, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, और कहते हैं कि कुछ ना कुछ करो इसी से, क्योंकि जमाने में कुछ करते तभी काम बनता है, बिना किए तो कुछ होता नहीं है, तो करो कुछ ना कुछ करो भाई, करने से ही मोक्ष मिलेगा। जगत में भी हम कुछ करते तो पैसा आता है, कुछ करते तो भी काम बनता है, तो इस मोक्ष के लिए भी कुछ करो ऐसा लगता है उनको। ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में, लेकिन ऐसे जीव तो अभी मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। ये मोक्ष का मार्ग ऐसा है जो बिना किए ही मिलेगा, सारा संसार में किए किए मिलता है, ये मोक्ष का मार्ग बिना किए मिलेगा। कैसी कैसी विचित्र बात, सुनने पर बड़ी विचित्र लगती है। फिर देखो ज्ञान पच गहे कहे आत्मा अबंध सदा, अभी जस्ट जैसा वर्णन हुआ ना वो बात आई है कि ज्ञान पक्ष, ज्ञान जिनका पक्ष ले लिया, जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोरी कोरी बातें ही करते हैं वो बड़ी बड़ी है ना, वो कहते हैं आत्मा तो अबंध है। अरे लिखा ना इसी समय सार में, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम निअदम व्योपत्सदी अपाणम, चौदहवीं गाथा में लिखा है व्योपत्सदी अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम असंयुक्तम है तम शुद्ध नयम वीराणी ही, ये चौदहवीं गाथा है। तो इसी समय सार में कहा कि आत्मा तो अबंध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, तो मेरे आत्मा का क्या बिगड़ा, मैं तो सिद्ध समान ही हूँ ना, मुझे क्या करने की जरूरत है ऐसा। ठीक है, ज्ञान पच कहे कहे आत्मा अबंध सदा बरते स्वच्छंद, और ऐसा कह करके वे बिल्कुल स्वच्छंद हो गए हैं, जो थोड़ा बहुत काम करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे अभी। ठीक है, ते वो बूढ़े हैं चहल में, बूढ़े मतलब डूबे ये शब्द ऐसा है, बूढ़े मतलब हमको लगता है कोई बूढ़े आदमियों की बात है, नहीं नहीं बूढ़े मतलब डूबे हुए, ये शब्द क्या है थोड़ा यूपी के, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी छाप है भाषा का, भाषा में क्या होता है कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो उलट पलट हो जाते हैं वर्डिंग उसमें। जैसे एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, लखनऊ को बोलते हैं नखलऊ लखनऊ का नखलऊ कर देते हैं, चक्कू का कच्चू कर देते हैं ऐसा, जलेबी को जबेली कर देते हैं है, तो डूबे को बूढ़े कर देते हैं, वर्डिंग आगे पीछे हो जाती है। ये थोड़ा उत्तर प्रदेश में कोई स्थान विशेष का प्रभाव है ऐसा, तो वो चीज है। बढ़ते स्वच्छंद ते वो बूढ़े हैं चहल में, यानी चहल मतलब सांसारिक दुनियादारी में, इस दुनियादारी में डूबे हुए हैं वो लोग। कौन लोग? जो कोरी आत्मा की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अमल नहीं करते, ऐसे लोग भी मिथ्यात्वी है। और जो आत्मा की बिल्कुल चर्चा नहीं करते और खूब धर्म कर्म में लगे हैं वे भी मिथ्यात्व में ही डूबे हैं। दो प्रकार के लोग हैं, जथा योग कर्म करे पे ममता न धरे रह। लेकिन फिर भी तीसरे प्रकार के लोगों की बात है, तीसरे प्रकार के लोग दो है ना, तीसरे प्रकार के कैसे होते हैं कि यथा योग कर्म करते हैं, जैसा जो बने जो भूमिका अनुसार ठीक लगे वो कर्म करते तो हैं, लेकिन उस कर्म में ममत्व नहीं करते,
एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये चारों चीज नहीं करते, रहे सावधान और हमेशा जागरूक रहते हैं अपने आत्म पुरुषार्थ के लिए और ज्ञान ध्यान की पहल में अपने आत्मा का कैसे उन्नति हो, कैसे विकास हो, मतलब कैसे परिशुद्ध हो, ऐसी जो है उनकी सावधानी बनी रहती है। तेई भव सागर के ऊपर बैठे तिरे, ऐसे जीव इस संसार समुद्र के ऊपर ऊपर तैरते हैं, पानी में ऊपर ऊपर तैरते हैं ना, ऐसे इस संसार समुद्र से ऊपर ऊपर तैरते कौन है, सिद्ध भगवान तैरते हैं, लोक शिखर के ऊपर है ऐसा। तो जिन ही को निवास श्यादवाद के महल में, ऐसे जीव श्यादवादी हैं और वे अपने आत्मा का कल्याण करते हैं और वे ही जीव इस संसार समुद्र के ऊपर ऊपर तैरते हैं, ऐसा अर्थ है इसका। 111वें नंबर का कलश, उसका यह अर्थ है। देखो इसमें भी एक दो पैराग्राफ बहुत अच्छे हैं, 383 नंबर का पेज है, इसमें ऊपर का पैराग्राफ है। जिनको अंतरंग में चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होने की ओर झुकाव तो हुआ है, हुआ नहीं, झुकाव तो हुआ नहीं, केवल बाहर बाहर से ज्ञान की बातें करते हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि हैं, तथा जो स्वभाव में दृष्टि की एकाग्रता का विचार तो करते हैं किंतु जिन्होंने स्वरूप का प्रत्यक्ष आस्वाद नहीं किया वे भी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। जिनको थोड़ा बहुत रुचि है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी आत्म पकड़ में नहीं आया, वे जीव फिर भी सम्यक सन्मुख है, लेकिन जिनकी तो पूरी बातें ही बातें करते हैं वे तो टोटली मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार का मतलब यूँ समझो, ये जो समय सार है, संपूर्ण समय सार, यही नहीं आगे भी जितना पढ़ेंगे, सब कुछ दृष्टि प्रधान बातें, सब कुछ दृष्टि प्रधान बातें। समय सार में तो ये कहा कि देखो जिसने मतलब सम्यक तो सन्मुख पहुंच गया है वो भी अज्ञानी है और जो पूरी तरह टोटली मिथ्यात्म है वो भी अज्ञानी है, ये दोनों ही अज्ञानी है। कम से कम जानने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाला, दोनों ही अज्ञानी है। ज्ञानी तो अलग ही होता है, सिर्फ दो प्रकार के जीव बताए हैं, एक ज्ञानी एक अज्ञानी, बस। कोई चाहे जितना जान ले, चाहे जितना पढ़ ले है, चाहे जितना शुभ आचरण कर ले, चाहे जितने महाव्रत पालन कर ले है ना, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाने तो अज्ञानी। और कोई महाव्रत नहीं पाले, अणुव्रत भी नहीं पाले, कुछ भी नहीं करे तो भी ज्ञानी है। तो ज्ञानी अज्ञानी ये दो ही कैटेगरी में जीवों को बांटा है समझदार ने, बस और कुछ नहीं। कहा कि यदि आचरण की बात करनी है तो चरणान योग पढ़ लेना है ना, और भी कोई चीज की कर्म प्रकृतियों संबंधी कुछ देखना है, किसके बंध निर्बंध जो कुछ भी, तो वो तुम करुणान योग में देख लेना। लेकिन हम तो दृष्टि की मुक्तता से बताते हैं कि जिसका एक बार मिथ्यात्व गल गया, भले ही आज कितना भी बंद है लेकिन देख लेना थोड़े समय में क्या होता है ना। जिस वृक्ष की जड़ कट गई है, भले ही आज आपको हरा भरा दिख रहा है, दिखने दो, लेकिन थोड़े दिन वेट करो, हमारी बात मानो, फिर देखना आप सूखा कि नहीं सूखा। तो यहाँ इसी तरीके की बात की गई, ये बहुत दृष्टि प्रधान बातें हैं। दो प्रकार के जीव हैं, एक शुभ राग की क्रिया में धर्म मानने वाला और दूसरे ज्ञान की कोरी बातें करने वाला, दोनों ही जो है मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी तो यथा योग करता है, जो भूमिका अनुसार है वो करता है। यदि पाप से बचना है तो शुभ में जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुद्ध से शुभ में आए तो वो गलत है। तो जितनी जितनी भूमिका है वैसा वैसा कर्म वो करते हैं। इस प्रकार यह कलश में कहा है कि कुछ लोग आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना, आत्मानुभव किए बिना, व्रत उपवास क्रियाएं करके ही अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। ऐसे जीव कर्म नय के पक्षपाती है, एकांती है। क्या समझ में आया? ऐसे जीव आत्मा को तो जानते नहीं और कोरा व्रत उपवास करते हैं। देखो जो जीव आत्मा को जानते हैं ना सच में, उनको व्रत उपवास करने में बहुत आसानी होती है, कष्ट नहीं होता, फिर बिल्कुल कष्ट नहीं होता। कष्ट किन को होता है? जिनको आत्मा पता नहीं, क्योंकि जिनको आत्मा पता है ना, तो जब भी भूख की ज्यादा बाधा सताए उनको, भूख प्यास लगे, तो वो झट आत्मा को याद करेंगे है ना, और वहाँ उसको एकदम अतीन्द्रिय आनंद की झलक मिलेगी, उस आनंद के सामने इस शरीर का आनंद फीका पड़ जाता है, तो यहाँ का सुख दुख कुछ पता नहीं चलता उसको, एकदम आनंद हो जाता है। तो इस तरह से ये जो कर्म नए वाले हैं वो भी जो है संसार में डूबने वाले हैं, और ज्ञान नए वाले
वे भी डूबने वाले हैं, वे प्रमादी हैं, वे तो थोड़ा बहुत शुभ आचरण करना था वो भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया है। एक चीज देखो, आपने इसके पहले वो पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसके सातवें अधिकार में जो चार प्रकार के मिथ्या दृष्टि बताए थे, एक है निश्चयाभासी, एक है व्यवहारावासी, एक भूयाभासी है, एक सम्यक सन्मुख, चार प्रकार के मिथ्या दृष्टि बताए थे। तो जो जीव ज्ञान नय का ही आश्रय लेते हैं, एकांती हो गए और कर्म नय को छोड़ दिया, वे जीव है निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि, ठीक है। और जो जीव ज्ञान नय को छोड़ करके कर्म नय के पीछे ही पड़ गए हैं, वे हैं व्यवहारावासी, ठीक है। और जो बातें भी ऊंची ऊंची करते हैं और शुभ आचरण में भी लगे रहते हैं, तो वे उभयावासी हैं, ऐसा समझ लो आप, है ना। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान नय कर्म नय, इसमें भी क्या सामंजस्य होना चाहिए वो पता होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा तो आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मानुभवी होते हैं, भूमिका अनुसार उनका जीवन भी पवित्र होता है, सदाचारी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि तो है लेकिन उसका आचरण अच्छा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अन्याय अनीति का तो कम से कम त्यागी होता ही है, इतनी तो बेसिक बात मिलेगी है। कोई सदाचार के बिना सम्यक तो होता ही नहीं है, सदाचारी तो पहले नंबर चाहिए, ठीक है। पांच जैसे पापों से दूर रहना, सप्त व्यसन से दूर रहना, ये तो पहली शर्त है, इनके रहते रहते तो कभी सम्यक होगा ही नहीं, है ना। तो जिन लोगों के जीवन में ये सात व्यसन मौजूद हैं या पांच पाप में से कोई पाप है, तो समझो कि सम्यक तो अभी बहुत दूर है, ऐसा कम से कम ये चीजें छूटनी चाहिए, तब आगे की कोई बात करे, ऐसी बात है यहाँ पर। अभी देखो इसको पूरा तो कर ही दें, बस एक छंद बचा है, इसको भी कर ही लेते हैं पूरा। और सबसे लास्ट छंद बारहवें नंबर का, भेदोन्मादम भ्रम रस भरान नाटयात पीत मोहम भूलोत्मूलम सकलम अपी तत् कर्म कृत्वा बलेन हेलोन्मीलत परम कलया सार्ध मारब्ध केली ज्ञान ज्योति कवलित तमः प्रोच्यत्रम्भे भरेण। मंदा क्रांता छंद, दो बार एक लाइन में कम से कम रुकना है और लास्ट में फिर रुकना है, तीन बार रुकना है एक लाइन में। इसमें क्या कहते हैं, बहुत सरल है, इसमें तो बिल्कुल संक्षेप में ही पूरा एकदम मंगलाचरण है लास्ट का, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। ये 112वां छंद मंगलाचरण है। आप कहते हो मंगलाचरण तो शुरू में होता है, कोई भी ग्रंथ शुरू हो तो मंगलाचरण होता है, ये लास्ट में, यहाँ लास्ट में भी मिलता है। कई ग्रंथों में मंगलाचरण लास्ट में भी मिलता है, शुरू में भी मिलता है, बीच में भी मिलता है। आदौ मध्य अवसाने च मंगलम वाचितम बुधई, ग्रंथ के शुरुआत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, अथवा तीनों जगह भी हो सकता है, ऐसे मंगलाचरण की प्रथा है। तो ये अंत मंगलाचरण है, इस पुण्य पाप अधिकार का अंत मंगलाचरण। इसमें क्या कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं जो शुरू के मंगलाचरण में कही थी। याद करो क्या कही थी, कोई भी जीवा जीवा अधिकार के शुरू हो, चाहे कर्ता कर्म अधिकार के शुरू हो, चाहे पुण्य पाप के शुरू हो, जो भी बात वहां कही है वही चीज यहाँ कही। मंगलाचरण में किसी ना किसी को नमस्कार करते हैं, कोई ना कोई हमारा आराध्य है, इष्ट है, कौन है, ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति ही हमें ये बताती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये पुण्य और पाप जिनको हम दो समझ रहे थे उनको एक बता रही है ये ज्ञान ज्योति, इसलिए इस ज्ञान ज्योति को नमस्कार करता हूँ। है जीव और अजीव जिनको मैं एक समझ रहा था, ये ज्ञान ज्योति ने बताया कि ये दोनों एक नहीं अलग अलग। पुण्य पाप जिनको दो समझ रहा था, ज्ञान ज्योति ने कहा नहीं दो नहीं ये एक ही है। तो जो सही का निर्णय कराने वाला जो ज्ञान है उसे ही यहाँ नमस्कार किया है। और देखो क्या लिखा है, जग शुभ अशुभ में भेद माने मोह मदिरापान से, पर भेद इनमें है नहीं जाना है सम्यक ज्ञान से। कितना सरल है कि शुभ अशुभ में भेद माने जगत है, क्यों माने, क्योंकि उसने मोह रूपी मदिरा पी रखी इसलिए अलग अलग दिखते हैं उसको, लेकिन इनमें भेद नहीं है ऐसा हमने सम्यक ज्ञान से जान लिया, इसलिए उस सम्यक ज्ञान को नमस्कार। यह ज्ञान ज्योति तम विरोधी खेले केवल ज्ञान से,
जयवंत हो इस जगत में, जगमगे आत्म ज्ञान से। यही के यही सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति आगे जाकर केवल ज्ञान में मिल जाती है। इसलिए इस केवल ज्ञान ज्योति को ही मैं नमस्कार करता हूँ। बस इतना सही तो अर्थ है इसमें, इसमें कुछ नहीं, समापन है ये तो, है ना। आप यूँ समझो कि ये जो समय सार है ये नाटक की फॉर्म में है, ठीक है, नाटक की फॉर्म में है। तो यहाँ नाटक जब शुरू हुआ था, मतलब ये कर्ता कौन सा पुण्य पाप अधिकार चल रहा, ये शुरू हुआ था कर्ता कर्म जब शुरू हुआ था तो दो पात्र आए थे, एक कर्ता एक कर्म, है ना, और रोल कर रहे थे। तो आचार्य ने ज्ञान ज्योति ने समझा, अरे अरे चक्कर मत पड़ो, ये दोनों ही एक ही है ऐसे, है ना। और यहाँ पर यहाँ पर भी ये आए जीव अजीव एक मिल करके आए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं एक नहीं दो है। और यहाँ पर ये पाप पुण्य दो अलग अलग आए, तो आचार्य ने कहा नहीं ये भी एक है, है ना। तो इस प्रकार उन दो पात्रों को, जैसे मान लो किसी आदमी ने आधे आधे शरीर इधर की तरफ स्त्री का, इधर की तरफ पुरुष का, ऐसा ऐसा कोई चित्र बना लिया, चेहरे को रंग लिया, इधर मूछें बना ली, इधर कोई लिपस्टिक लगा के जैसा जो करते वैसा कर लिया, फिर वो इधर घूम के पुरुष का डायलॉग बोलेगा, इधर घूम के फिर स्त्री का डायलॉग बोलेगा, एक ही आदमी, श्रोताओं को लगेगा कि दो है, फिर बाद में उसको पता चलेगा तो अरे ये तो एक ही आदमी है। ऐसे ही पाप और पुण्य ये दो नहीं है, ये दोनों एक ही है, ये बताने वाली जो ज्ञान ज्योति है उसे ही यहाँ नमस्कार किया है, उसे ही यहाँ नमस्कार किया। इस तरह से वैसे तो अब ये जो लास्ट वाला छंद है वो वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कारण से स्वरूप से आश्रय से, है ना, फल से, चारों चीजों की दृष्टि से पुण्य भी और पाप भी दोनों के एक ही कारण, एक ही आश्रय, एक ही फल, एक ही बात है ना। तो वो बात अपन पढ़ चुके हैं, इसका जो थोड़ा सार देखना हो तो सार भी देख सकते हैं। इसमें जो सार देखो, ये पूरे कर्ता कर्म अधिकार का सार ये देख रहे होंगे आप, थोड़ी सी ये बड़ी कर दो इसको, हाँ अभी देखेगा शायद दिख रहा होगा आपको। 145वीं जो गाथा है इसमें कहा कि शुभ और अशुभ दोनों के दोनों कुशील हैं, दोनों के दोनों संसार मार्ग हैं, है ना। जो संसार का मार्ग है उसको हम सुशील कैसे कहें, सुशील तो जो मोक्ष का मार्ग होगा उसी कहेंगे ना, ऐसा कहा था। मतलब पहली ही गाथा एकदम हमको आंखें खोल देने वाली है। फिर 146 से 149 तक कहा कि ये दोनों ही जब कुशील है तो फिर इन दोनों को छोड़ क्यों नहीं देते, कि वो कैसे छोड़ूं महाराज, बहुत मुश्किल है, छूटता नहीं है। इन्होंने कहा देखो जब तुम्हारा मित्र है और वो तुम्हारे साथ धोखा करे, और जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि उसने धोखा किया, तो तुम उसको मन से छोड़ देते हो कि नहीं छोड़ देते हो, कि हाँ छोड़ देते हैं, तो बस ऐसे ही तुम इसको छोड़ दो, कि तुमको लगना चाहिए कि अच्छा मैं इसको भला मानता था, ये मेरे को संसार में घुमाता है, ठीक है मैं आज से छोड़ देता हूँ, ऐसा इस तरीके से उन्होंने समझाया। फिर 150 से 51 तक कहा कि इन दोनों को छोड़ करके तुम अपने परमार्थ को भजो, उसी से निर्वाण मिलेगा। भाई दोनों चीज छुड़वा दी ना उन्होंने, 149 नंबर तक छुड़वा दिया दोनों, अब क्या बचा, शिष्य खाली हो गया। तो कह रहे महाराज आपने दोनों छुड़वा दिए, मैं करूँ क्या, कि तू एक काम कर अपने परमार्थ को भज, उसी से निर्वाण मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है इसी को भजूंगा, फिर बताओ। तो उन्होंने कहा देखो परमार्थ के साथ जो करेगा वो सब ठीक है, व्रत तप है, लेकिन जो परमार्थ से बाहर हैं यानी कि आत्मा को जानते नहीं है, कोरे व्रत करते हैं, कोरे तप करते हैं, तो ऐसे बाल व्रत और बाल तप हैं, और ऐसे जीव पुण्य को चाहते हैं और वो भी भ्रम से, उनको लगता है शायद इसी से मुक्ति मिलेगी इसलिए चाहते हैं। फिर आगे 155 नंबर की गाथा थोड़ी महत्वपूर्ण है, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों का स्वरूप बताया, और 156 में कहा कि ज्ञानी विद्वान इसी की, मुनिजन ज्ञानी जन विद्वान जो भी आप समझो वो इसी में संलग्न रहते हैं, इसी की आराधना करते हैं, तो तुम भी करो भाई, ऐसा समझाया। फिर 157 से 63 तक सात गाथाएं हैं, उनमें तीन तीन गाथाओं के तो दो वंश है, जो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बाधक कर्म कौन कौन से है। सम्यक दर्शन का दर्शन वो है, ज्ञान का भी दर्शन वो है, चारित्र का जो है कसाय है, और ये दोनों ही कर्म जितने भी कर्म है वो मोक्ष के विरोधी हैं। पुण्य पाप के, पुण्य पाप भी कर्म हैं,
और इसलिए वे भी मोक्ष के विरोधी हैं, इसलिए जब तक पुण्य पाप में रहोगे मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसी बात यहाँ पर बताई, ऐसी बात बताई थी। समझ में आई बात है ना? तो इस प्रकार से इसमें जो है आपको क्या बोलते हैं, पूरे पुण्य पाप अधिकार का एकदम सारांश एक ही स्लाइड में रखा है, और मैं समझता हूँ कि आ गया होगा, संक्षिप्त है, सरल है, आसान है ना? फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आज तो हुआ अपना ये पुण्य पाप अधिकार पूरा हुआ, समीसार अनुशीलन भाग दो भी पूरा हुआ, अब जो है तीसरा भाग शुरू करेंगे। ठीक है, तीसरा भाग आप निकाल के रखो अपने घर में, है ना, पुस्तकों में से तीसरा भाग। ठीक है, तीसरा भाग भी आपको सॉफ्ट कॉपी में भेज देंगे, आप भी निकाल के रखो। ठीक है, और ये समीर जी का कहना है कि भाई एक कक्षा हमको एक्स्ट्रा ले लो, समय सार के भी एक्स्ट्रा, कुछ अलग से ज्ञान दे दो थोड़ा सा। तो कोशिश करेंगे कि अलग से एक कक्षा ले लेंगे जिसमें समय सार की बात न करके एक्स्ट्रा कोई ज्ञान दे देंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू। हाँ, जय जिनेंद्र, ठीक है। जय जिनेंद्र सर।